चेस्ट पे जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होती है इससे? सर फूला फूला रहता है। तो कितने दिनों से इसे क्या समस्या है, समस्या क्या होती है आपको? कुछ नहीं, ऐसे फूला फूला रहता है। अच्छा, और कितने दिनों से है ये? दो साल से। तो कहाँ से आए हैं? यूपी से। देवरिया जी, देवरिया जिला। तो इसमें कोई एक्सरसाइज या मेडिसिन लिया है पहले? कोई इलाज कराया है? नहीं, कुछ नहीं कराया। नहीं। कुछ नहीं कराया। तो कहाँ से देखा आपने सर्जरी का? यूट्यूब पे देखा। तो क्या देखा आपने? देखा आपके यहाँ सर्जरी होता है तो आपके यहाँ बात की और आए। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ग्रेड टू गायनेकोमास्ट है, टू बी है। तो इसमें लाइपोसक्शन करेंगे, ग्लैंड निकालेंगे, तो आप इनका देख सकते हैं चेस्ट का शेप। ठीक है, साइड में घूम के दिखाइए, इधर घूमिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पे भी लाइपोसक्शन करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे फैट है पूरा, है ना। तो ये लाइपोसक्शन करेंगे इधर से भी, साइड से भी, 360 डिग्री। इधर से घूम के दिखाइए, ठीक सामने। ठीक है, तो इसमें सर्जरी करेंगे, लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड रिमूवल, है ना। कुछ और मन में पूछना था? टाके का पूछ रहे थे ना, टाके 8 से 10 दिन या 15 दिन जितना है मैक्सिमम दिन के बाद ही निकालते हैं, क्योंकि पास के पेशेंट हो तो देख के निकालते हैं, दूर के पेशेंट में जोलते हैं थोड़े दिन बाद, रुक के निकालो। ठीक है, तो इसमें जो सर्जरी करेंगे जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये इनका चेस्ट का शेप है। इसमें लाइपोसक्शन करेंगे, ब्लड निकालेंगे, टाइट करिए जरा चेस्ट, यहाँ से ऐसे टाइट करिए साइड से। तो ये मसल्स होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मसल्स है आपकी, ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मसल से ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे ये है ग्लैंड है, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये हटाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पकड़ने, ये मसल्स होती है और फैट होता है, तो यहाँ पे भी लाइपोसक्शन करेंगे पर मेनली ये वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, एकदम ये मसल्स और बोन है तो ये नीचे नहीं जाता है। ठीक है, जो बल्किनेस रहता है वो जाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए आप सारी चीज़। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक, हेलो एवरीवन, अभी हमने सर्जरी कंप्लीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं इनका चेस्ट एक तरीके से फ्लैट हो गया है, साइड में भी फोल्ड था, ये हमने लाइपोसक्शन किया है, चेस्ट एक तरीके से नॉर्मल हो गया है, जहाँ तरफ का पूरा लाइपोसक्शन कर दिया है, ग्लैंड निकाल दिए, तो आप देख सकते हैं काउंटेबल रिजल्ट है। देख सकते हैं काउंटेबल रिजल्ट। तो अभी आज पहला दिन है सर्जरी, कल इवनिंग में किए थे आफ्टरनून में, तो अभी कैसा लग रहा है? कोई हिमोटोमा नहीं बना है ना, कोई खून का वो नहीं बना है गठान। थोड़ा शुरुआत में जब लाइपोसक्शन करते हैं तो फर्स्ट डे थोड़ा सा ड्रेन से आता है। ठीक है, तो किसी किसी पेशेंट में लगता है कि ब्लीडिंग का चांस है, हिमोटोमा में उसमें ड्रेन डाल देते हैं। ठीक है, आपकी कंडीशन में देख सकते हैं इनका कोई हिमोटोमा नहीं बना फर्स्ट डे। ठीक है, 2-3 बार देखा रात में भी और अभी भी, तो अभी कोई आपको लगा कोई हिमोटोमा बना? नहीं बना ना। तो फर्स्ट डे थोड़ा सा पेन रहता है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है ना। ठीक है, तो कहाँ से आए थे आप? यूपी से, देवरिया। देवरिया से ना, तो आप ये देख सकते हैं इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है फर्स्ट डे। तो धीरे धीरे स्वेलिंग जो रहेगी थोड़ा बहुत, वो धीरे धीरे सबसाइड होगा। 1 मंथ के बाद ऐसा मसाज करना है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो धीरे धीरे और अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा, जो मस्कुलाइन चेस्ट होता है। तो आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं, आपका फर्स्ट डे रिजल्ट देखा आपने, अभी आपको दिखाया, कैसा लगा रिजल्ट? ऐसा लगा। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनका फर्स्ट डे का रिजल्ट है। तो इससे प्रॉब्लम होती थी चेस्ट से? प्रॉब्लम होती थी ना, अभी कोई दिक्कत नहीं? अभी कोई दिक्कत, फर्स्ट डे है तो अभी कोई हल्का फुल्का दर्द होगा, है ना जी। एकदम, तो मैं अपने पेशेंट में जो वैसे बोलते हैं ना कि 8 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं, 8 घंटे में कर सकते हैं, पर मान लो किसी में हिमोटोमा बन गया, कुछ बन गया, इसलिए मैं अपने पेशेंट में थोड़ा सा रोकता हूँ। रात में कहाँ जाओगे? जाते कहीं नहीं, रात में उससे अच्छा तो यहाँ रुक लो, मेरे पास रुक लो। तो मेरा कहना है कि आप मेरे पास रहोगे तो कम से कम हम तो देख लेंगे। ठीक है, तो आफ्टरनून में सर्जरी हुई तो अगर शाम को 4 बजे भी, 6 बजे 8 बजे छोड़ेंगे तो कहाँ जाओगे? ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपका मेन वही था कि 8 घंटे में क्यों नहीं डिस्चार्ज करते हैं ना।
तो इसलिए नहीं करते कि देखते हैं हम सब कुछ नॉर्मल है, अपने पेशेंट की सेफ्टी और रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका फर्स्ट डे के बाद करने को तो हम कर सकते हैं, मान लो किसी पेशेंट में हो गया तो दौड़ा दौड़ा आएगा, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम होगी ना, तो इसलिए नहीं करते। इसे एक थंब रूल है कि आफ्टरनून में करते हैं, फर्स्ट डे रखते हैं, सेकेंड डे डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो सारे पेशेंट जाने को तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कल को किसी पेशेंट में हो गया तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका फर्स्ट डे का रिजल्ट है इनका, तो आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? ठीक है, ठीक है।